आह्वान करें परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि श्री अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो 4 सीक्रेट नॉलेज 50वें पृष्ठ की 3री पंक्ति पर 21वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर ठीक ठीक देख सके, जान सके, सीख सके, समझ सके, तद अनुरूप साधना के ध्रुवपथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सके। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ऑल वी हैव लर्न्ड अपीयर्स ए डाउटफुल गेज, द अचीवमेंट डन ए पैसेज आर ए फेस, हूज फर्दर एंड इज हिडन फ्रॉम अवर साइट, ए चांस हैपनिंग आर ए फॉर्टुइटस फेट, आउट ऑफ द नोन वी मूव टू द नोन। पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर सरल भाव की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देश काल सीमाबद्ध जीवन यापन करते हुए, काल चक्र से पिसते हुए संतप्त संत्रस्त जीवन जीने को बाध्य मानव ने सृष्टि सृजन आरंभ से लेकर आज तक के वर्तमान मानव जीवन यापन करते करते जो कुछ भी हमने जाना सीखा है, वह सब कुछ शंकान्वित कोई अटकल लगती है, कुछ भी यहाँ निश्चित नहीं लगता है। जो कुछ अनुभव से सीखा, जाना और तब अनुभव किया कि यह तो निश्चित वही ज्ञान है जिसके आधार पर क्रियाएं घटित होती है, किंतु भविष्य के आने वाले जीवन में सतत बढ़ते रहने की प्रक्रिया पर पूर्व निश्चयात्मक अनुभूत ज्ञान भी भावी खोज के परिणाम से संदेहों में घिर जाता है और भावी घटित परिणामों से जीवन आस्था को हिलाकर रख देता है। इसलिए क्रियान्वयन से भावी परिणाम ही अंतिम स्तर पर नहीं साबित होता है। जो कुछ वर्तमान तक प्राप्त किया गया है, वह केवल राह में एक चिन्ह, मील का पत्थर जितने महत्व का ही होता है, या फिर वर्तमान तक क्रिया से घटित परिणाम केवल एक अवस्था भर है, अंतिम मंजिल नहीं। सब घटने वाली क्रिया से उत्पन्न परिणाम तो बस देवयोग से घटित क्रीड़ा, जो भाग्य भरोसे चलती हुई अमापी सिद्ध होती है। वर्तमान घटित परिणाम तो देख जान सकते हैं, किंतु इस यात्रा का अंतिम छोर, अंतिम सिरा हमसे बहुत दूर, सुदूर एवं अज्ञात बना रहकर हमारी दृष्टि से, आँखों से दिखाई नहीं पड़ता, ओझल ही रहता है। लक्ष्य सुदूर अज्ञात होने पर भी सतत बढ़ती वृद्धिमगत चलने वाली अवश्यंभावी क्रियाएं
एवं परिणाम एक देव योग से घटित होने वाली घटनाएं ही प्रतीत होती है, जो अकस्मात घटकर अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न करके विधि के विधान के अंतर्गत एक लेखा मात्र लगता है। जग संचालन का मूल स्रोत, जिसके बारे में कोई मानव नहीं जानता, कहाँ से, कैसे और कब ये संचालित होती है, और नहीं कोई यह जान पाता है कि अज्ञात संचालित जगत क्रियावलियां अपने अनजाने परिणाम उत्पन्न करते हुए किस अज्ञात लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। केवल वर्तमान में घटित होने वाला अनिश्चित ज्ञान ही अनुभव में आता है, जिसके अज्ञात अनंत काल से चलते चले आने वाले क्रमिक विकसित स्वरूपों के भी ज्ञान की अनिश्चितता की नींव पर अकस्मात घटित वर्तमान की क्रिया संपन्न होते हुए अज्ञात भविष्य की भावी घटित होने वाली दिशा में ही बढ़ता चला जाता है। ऐसा अनुभव होता है कि बस एक अज्ञात मूल स्रोत है हम सबको, जो एक अज्ञात की दिशा में ही सतत बढ़ाए लिए चला जाता है। आज हम इस सारगर्भित विषय को यही विराम देते हैं। आह्वान परम तरी दुई परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना, इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर दिखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान को, विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं, ताकि जब जब साधना के ध्रुव पथ पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो, तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के ध्रुव पथ पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से कुछ पलों के लिए हम ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं। सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।